एसकेपी 7 न्यूज मुजफ्फरपुर। महिला दारोगा के साथ थाना में छेड़खानी, थानेदार और एसआई पर बेशर्मी की हदें पार करने का लगाया आरोप। एसएसपी ने कहा कि जांच का आदेश दिया गया है। बिहार में महिलाओं के साथ तेजी से बढ़ती आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में आम महिला की सुरक्षा तो दूर की बात है, यहां तो पुलिस थाने में ही महिला दारोगा के साथ छेड़खानी, बदतमीजी और बदसलूकी हो रही है। दरअसल पटना महिला आयोग और मुजफ्फरपुर के एसएसपी जयकांत से एक दारोगा ने अपने साथ ही पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ये है कि 30 तारीख को मेरे साथ मारपीट हुई और मेरे हस्बैंड के साथ भी मारपीट हुई है। हम लोगों को इस तरीके से गाली गलौज देके वहाँ पे बेइज्जत किया गया है। इसी के लिए मैं हर जगह जा के न्याय की उम्मीद कर रही हूँ। कल मैं एडीजी सर से भी वहाँ मिली, डीजी सर से भी मिली हूँ और डीजीपी सर को भी मैंने एप्लीकेशन दिया है। अब मैं आगे उम्मीद कर रही हूँ कि आगे मुझे क्या न्याय मिलेगा। आज क्या लगाया मैडम? आरोप ये लगाया कि मुझे मेरी लज्जा भंग की गई है, मुझे पूरी तरीके से शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी गई है, मुझे ठेलठाल किया गया है। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड इस चीज का बोले हैं कि क्यों आप इस तरीके से इनके साथ बिहेव कर रहे हैं, तो देखिए इनके साथ क्या बिहेव किया गया है। मेरे साथ मारपीट की गई है। अच्छा एक बताइए, महिला आयोग में भी आप गई थी? हम महिला आयोग में गए थे क्योंकि हम महिला हैं, हम चाहते हैं कि मेरे लिए महिला सपोर्ट करे क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है। अगर हम इस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं तो हम सब सीनियर वरीय पदाधिकारी से उम्मीद करते हैं कि वो लोग मुझे सहयोग करें। मेरे साथ अगर इस तरह का अन्याय हुआ है तो उस अन्याय के विरोध कार्रवाई की जाए। अभी तक आपको लग रहा है कि नहीं आपको मिल रहा है? अभी तो मैं इसके लिए अभी इसी प्रक्रिया में लगी हुई हूँ। अभी मैं अभी थाना में गई थी तो मैं वहाँ पे जब अपना संज्ञान दे रही थी, अपना बयान दे रही थी, तो बगल में जो मेरे थाना प्रभारी हैं वो खाना खा रहे थे और बाकी लोग मुस्कुरा रहे थे। इससे किनको बयान दे रही थी? थाना पे मैं सर्किल इंस्पेक्टर और महिला पदाधिकारी थी, उनको बयान दे रही थी। कौन लोग थे? आरोपी जो है वो उदय कुमार सिंह है SHO और प्रशिक्षु है एक ऋतु राज कुमार ई कंपनी के। क्या कारण हुआ था ऐसा, कुछ समझ में आया क्या ऐसा? कारण यही था कि वो लोग इंटेंशनली इस चीज को कर रहे थे। पता नहीं उन लोगों को क्या मुझसे प्रॉब्लम है। मैं पूरे एक महीने से मुझे अगर मैं एक महीने से गायब थी बिना सूचना के, तो अभी तक मुझे सोकॉज क्यों नहीं दिया गया? क्यों मेरे अकाउंट में सैलरी आ रही है? क्योंकि इसका मतलब मैं ड्यूटी पे उपस्थित हूँ। अब मुझे 10 तरह के एलिगेशन मुझ पे लगाए जाएंगे तो वो अलग बात है, लेकिन मैं ड्यूटी पे बिल्कुल उपस्थित थी। 13 दिन के लिए मुझे कोरोना हुआ था, वो भी मैं ड्यूटी के दौरान मुझे कोरोना हुआ था और उसके बाद मैं थाना पे उपस्थित हुई थी। उसके बाद भी मुझे इस तरह की मानसिक पीड़ा दी जा रही है। कोरोना का इलाज मेरा जहाँ होना चाहिए वहाँ कराया गया था, सदर हॉस्पिटल में, और मैं होम क्वारंटाइन हूँ। क्या लग रहा है, न्याय मिलेगी? एक लेडी